हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 7 सुपर कूल फार्मूला के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। फार्मूला नंबर 1, आप देख सकते हैं यहां पे एक टेबल है जहां पे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मेंशन किया हुआ है और हमें यहां पे स्प्लिट करना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को। तो इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक सुपर डुपर फार्मूला यूज करूंगा जो कि है टेक्स्ट स्प्लिट। इसको मैंने टाइप किया, उसके बाद मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और मैं इसे ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा, या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं कि इसका एक्सप्लिटर क्या है, डेलिमीटर क्या है। तो इसका डेलिमीटर है यानी दोनों के बीच में एक स्पेस है, तो मैं यहां पे एक स्पेस डाल रहा हूं इनवर्टेड कॉमा में। तो ऐसे करके मैंने स्पेस डाला, फिर इनवर्टेड कॉमा क्लोज और मैं इसे एंटर कर दिया और मैं यहां पे एंटर कर दे रहा हूं। तो आप देख सकते हैं एक बार में यहां पे ये दोनों फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहां पे आ चुका है एनएस सुपर कूल फार्मूला। वैसे ही यहां पे हमें एक्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। उसके लिए भी मैं यहां से इसे कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी किया और इसमें जाकर मैं कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करते ही आप यहां पे देखेंगे वो सारा डेटा यहां पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम में आ चुका है। आप देख सकते हैं इस वर्कशीट में यहाँ पे 4 कॉलम दिया हुआ है। इन चारों कॉलम में अलग अलग यहाँ पे सर्वर का नेम है, यानी कोई वेस्ट का है, कोई नॉर्थ का है और कोई साउथ का सर्वर है। अब इन चारों कॉलम को अगर हमें एक के नीचे एक अपेंड करना है तो अगर मैनुअली करें तो इसमें काफी टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं एक आपको सुपर कूल फार्मूला बता रहा हूँ जो की फार्मूला है टू कॉल। टू कॉल करने से ही यहाँ पे एक फार्मूला आ चुका है। एरे अपने को देना है तो मैंने यहाँ पे एरे जो भी है मैंने उसको यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड ऑप्शन आ रहा है कि इसके बीच में जो भी ब्लैंक है उसको रखना है या उसको हटाना है, तो इग्नोर करना है तो मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ 1। फिर कॉमा, इसको स्कैन करना है बाय रो या बाय कॉलम, तो मैं इसे बाय रो करना चाह रहा हूँ। बाय रो कहने का मतलब है पहले एक रो को यहाँ से डेटा लेगा फिर सेकेंड रो को लेगा, तो मैं इसे 1 कर रहा हूँ। तो बाई डिफॉल्ट ही इसका होता है रो, तो आप देख सकते हैं बाई डिफॉल्ट अगर मैं कुछ नहीं डालू तो रो वाइज स्कैन करेगा। तो मैं इसे कुछ नहीं करके मैं ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज किया और मैंने एंटर बटन को प्रेस किया, तो देखेंगे यहाँ पे ये सारा डेटा एक के नीचे एक अपेंड हो चुका है। यहाँ पे इस वर्कशीट में देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 2 टेबल है एंड दोनों टेबल को हमें कंसोलिडेट करना है, यानी एक के नीचे एक रखना है और कल होकर मैं इसमें कुछ भी अपडेट करूं तो इसका इफेक्ट इस न्यू टेबल में आना चाहिए। तो उसके लिए सुपर कूल फार्मूला का यूज करेंगे जो कि होता है वी स्टैक। तो मैं यहाँ पे जाकर वी स्टैक टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे ये फार्मूला आ चुका है। अब अपने को यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने एरे 1 को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं सेकेंड एरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल है, मल्टीपल रेंज है, तो आप ऐसे कॉमा दे देकर उसे सिलेक्ट करेंगे और मैंने ब्रैकेट को लास्ट में क्लोज किया और मैंने एंटर बटन को प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं एक के नीचे यहाँ पे डेटा अपेंड हो चुका है। मैं अगर बात करूं, मैं यहाँ से ब्लूबेरी को लिया और कंट्रोल सी करके मैंने यहाँ पे नीचे ऐड किया, कंट्रोल वी, तो देखेंगे यहाँ पे डेटा ऐड हो चुका है। इस शीट में देख सकते हैं यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है जहाँ पे 3 कॉलम है, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, और इन तीनों का डेटा यहाँ पे अलग अलग 3 बंच में दिया हुआ है जो आपको अलग अलग 3 कलर में दिख रहा है। इस डेटा को हमें इस स्ट्रक्चर में चेंज करना है और इसे मैं मैन्युअली नहीं करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा जो की फॉर्मूला होता है रैप रो। तो मैं जाकर यहाँ पे टाइप करूँ WRAP रैप रो, रैप कॉलम भी होता है, तो मैं अभी रैप रो का बात कर रहा हूँ। और विक्टर है तो विक्टर मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने डाला कॉमा, कॉमा के बाद यहाँ पे है पूछ रहा है कि रैप काउंट क्या है, यानी कितने नंबर को यहाँ पे रैप करना है। तो मेरे पास यहाँ पे हर एक में 3 नंबर है, यानी कि नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी, तो हम यहाँ पे 3 काउंट डालेंगे और मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके मैंने एंटर बटन प्रेस किया, तो देखेंगे एक के नीचे यहाँ पे रैप हो चुका है। सेम वैसे हम यूज कर रहे हैं रैप कॉलम फार्मूला को, देखते हैं इसमें क्या होता है। रैप कॉल फार्मूला यूज करने से क्या होता है, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कॉमा और मेरा यहाँ पे 3 है रैप काउंट, 3 को मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन प्रेस किया, तो देखेंगे ये यहाँ पे कॉलम वाइज आ चुका है, डिपार्टमेंट इधर और उसका डिटेल्स यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जहाँ पे कुछ इंप्लॉय का डिटेल्स है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे हमें टॉप 3 रो को यहाँ पे दिखाना है और इसमें क्या करना है, हमें नीचे का 3 रो को यहाँ पे डेटा से दिखाना है। इसके लिए हम यूज करते हैं फार्मूला। पहला, अगर हमें ऊपर का 3 लेना है तो मैं यहाँ पे टेक फार्मूला का यूज करूंगा। टेक मतलब लेना, तो मैंने यहाँ से गया और इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा और कितना रो आपको लेना है, तो मैंने यहाँ पे 3 रो लेना है, तो मैं यहाँ पे 3 टाइप कर रहा हूँ, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर,
तो आप देखेंगे यहाँ पे टॉप का थ्री रो यहाँ पे आ चुका है। वैसे ही अगर हमें बॉटम का थ्री रो लेना है तो उसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। मैंने डबल ब्रैकेट दे दिया तो मैं इसे हटा दे रहा हूँ। मैंने इस एरे को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा, अगर हमें नीचे का लेना है कुछ भी तो उसके लिए हम डाल रहे हैं -3, -3, -2, -4, ऐसे करके आप माइनस में डालेंगे तो नीचे की तरफ से काउंट करना शुरू करेगा। मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर बटन को प्रेस किया तो आप देखेंगे यहाँ पे 5, 6, 7 आया है, जो कि नीचे का 3 है, 5, 6, 7। यहाँ पे उसका उल्टा है, अगर हमें यहाँ पे इस टेबल में हमें डेटा लेना है लेकिन वो डेटा होना चाहिए ऊपर का 2 जो है उसको हटाकर नीचे का 2 हमें डेटा यहाँ पे डालना है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ड्रॉप फॉर्मूला का, यानी ड्रॉप कर दो उसे मत लो। मैंने बार बार डबल ब्रैकेट ओपन कर दे रहा हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे गया, इस रेंज को सिलेक्ट किया, कॉमा, ऊपर का 2 हमें एक्सक्लूड करना है तो मैंने 2 यहाँ पे एंटर करके फार्मूला प्रेस कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 3 से स्टार्ट हुआ है और ऊपर को छोड़ के भी यहाँ पे ये 3 से स्टार्ट हुआ है, तो हमें ड्रॉप से हमने क्या किया यहाँ पे 2 ऊपर का जो भी रो था उसे एक्सक्लूड कर दिया। सेम यहाँ पे हमें डालना है कि नीचे का 2 यहाँ से ये हट जाए और बाकी का जो भी डेटा है वो यहाँ पे दिखे। इसके लिए सेम फार्मूला यूज करते हैं, ड्रॉप फार्मूला, ड्रॉप फार्मूला। उसके बाद मैंने यहाँ पे एरे को सिलेक्ट किया, नीचे से 2 को ड्रॉप करना है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा -2, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 to 5 आ चुका है, 1 to 5 यहाँ पे दिख रहा है, नीचे का 2 रो यहाँ जो था वो यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। और लास्ट में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि काफी यूजफुल होने वाला है। अगर आपको अभी तक के वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मेरे पास एक बड़ा सा टेबल है और इस टेबल में बहुत सारे कॉलम है, लेकिन हमें एक नया टेबल बनाना है जहाँ पे हमें सिर्फ कॉलम 2 को लेना है, कॉलम 5 को लेना है और कॉलम 6 और 8 को लेना है। इन सारे कॉलम को यहाँ पे लेना है। अगर मैं इस टेबल में कुछ भी बाद में अपडेट करूं तो इसका इफेक्ट इसमें अपने आप आ जाना चाहिए। इसके लिए यूज करते हैं हम लोग फॉर्मूला जो कि है चूज कॉलम, COSE कॉलम्स, चूज कॉलम मैंने यहाँ पे डाला, एरिया आया, एरिया मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैंने वहां पे हेडर नहीं लिया है, हेडर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं डालूंगा यहाँ पे कॉमा, अब आपको जो जो कॉलम को लेना है उसको यहाँ पे डालना है, तो अपने को लेना है कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 8 और मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दे रहा हूँ और मैं एंटर बटन को प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे कस्टमर, सिटी, कैटेगरी, ये चारों कॉलम यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे कुछ भी एक नया एंट्री करके देख रहा हूँ तो मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैं यहाँ पे 2 नया लाइन आइटम को पेस्ट कर रहा हूँ, Ctrl V करते ही आप देखेंगे यहाँ पे 2 न्यू ऐड हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।